इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन 19 दिसंबर को होने की संभावनाएं हैं। इस ऑक्शन में सभी 10 टीमों की नजरें हाल ही में समाप्त हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाले खिलाड़ियों पे होने वाली है। तो आइए वीडियो के जरिए जानते हैं टॉप 5 खिलाड़ी जिन्हें आईपीएल 2024 के ऑक्शन में भारी भरकम रकम मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम न्यूजीलैंड के युवा क्रिकेटर रचिन रविंद्र का होगा, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है। 23 साल के इस भारतीय मूल के खिलाड़ी रचिन रविंद्र ने 10 पारियों में 64 की औसत से 578 रन बनाए हैं, जो वर्ल्ड कप डेब्यू में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन है, जिसमें उनके नाम 3 शतक भी शामिल थे। रविंद्र की खास बात यह कि वो ओपनिंग के अलावा मिडल ऑर्डर में भी किसी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और गेंदबाजी के साथ भी विकेट निकालने में माहिर है। इस वर्ल्ड कप में उनके नाम 5 विकेट थे। ऐसे में आने वाले आईपीएल में उन पर बड़ी टीमें अपना दांव खेल सकती हैं। इसके बाद इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोटेजे का नाम है। 23 साल के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोटेजे 2023 वर्ल्ड कप में कगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी जैसे अनुभवी गेंदबाजों पर भी भारी पड़ते हुए दिखे थे। कोटेजे ने इस पूरे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को कई मैचों में अपनी गेंदबाजी से मैच जिताए हैं। डेब्यू वर्ल्ड कप में कोटेजे ने 8 मैचों में 20 विकेट लिए, जो इस टूर्नामेंट के एक एडिशन में किसी भी साउथ अफ्रीकी गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट है। कोटेजे के पास अच्छी गति भी है और वो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद भी डाल सकते हैं। ऐसे में आईपीएल की टीमें उन पर नजर जरूर रखेंगी। वहीं इसके बाद न्यूजीलैंड के टेरी मिचेल का नाम है, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में मिडल ऑर्डर में खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में 5वें स्थान पर थे। मिचेल ने टूर्नामेंट में कई बार दबाव की स्थिति में पारी को संभाला और तेजी से बल्लेबाजी की। मिचेल ने 9 पारियों में 69 की औसत से 552 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 2 शतक जड़े और दोनों ही मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ आए थे। मिचेल को आईपीएल 2022 के ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा था, लेकिन उस सीजन के बाद रिलीज कर दिया था। उन्हें राजस्थान के लिए 2 मैच में 33 रन बनाए थे। ऐसे में इस बार देखना होगा कि डेरी मिचेल के पीछे कौन सी टीम जाती है, क्योंकि इस बार उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा था। ट्रेविस हेड, इस खिलाड़ी का नाम तो शायद दुनिया का कोई भी क्रिकेट फैन इस समय नहीं भूलना चाहेगा। वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह से ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई, उसे देखकर हर कोई उन्हें अपनी टीम में लेना चाहेगा। बीच वर्ल्ड कप में चोट से वापसी करते हुए हेड ने ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए 6 पारियों में 329 रन बनाए, जिसमें फाइनल में उनके बल्ले से शानदार 137 रन की पारी देखने को मिली थी। इसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। हेड ने अपनी पारी से सेमीफाइनल और फाइनल दोनों ही मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने शतक भी लगाया था। ऐसे में वो इस बार के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बनेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। वहीं इस लिस्ट में श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका का भी नाम है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन से सभी को काफी प्रभावित किया है और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वो तीसरे स्थान पर आए हैं। मधुशंका ने 9 मैचों में 21 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने पावर प्ले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। नई गेंद से विकेट लेने के साथ साथ वो काफी इकोनॉमिकल भी रहते हैं। ऐसे में आईपीएल की बड़ी टीमें उन पर अपना दाव लगा सकती हैं। अब देखना होगा कि इनमें से किस खिलाड़ी को आईपीएल 2024 के ऑक्शन में बड़ी रकम मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।